कार्तिक आर्यन अपनी नई फिल्म धमाका के प्रमोशन के लिए बिग बॉस 15 के सेट पर गए थे। काम खत्म करने के बाद वह अपनी नई ब्लैक लंबोर्गिनी उरस गाड़ी में, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए है, उसमें घर लौट रहे थे। वह सड़क किनारे चाइनीज फूड स्टॉल के सामने रुक गए और अपने लिए खाना ऑर्डर किया। कार्तिक आर्यन की गाड़ी के हुड पर सड़क किनारे खाना खाते हुए तस्वीरें वायरल हो गई। अभिनेता उच्च गुणवत्ता वाला खाना और महंगी रेस्टोरेंट में जाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रसिद्धि के बावजूद कार्तिक सड़क किनारे एक स्टॉल पर खाना खा रहे थे। उसने अपनी गाड़ी के बोनेट पर अपनी प्लेट के नीचे अखबार रखकर खाना खाया। वह यह सुनिश्चित करने के लिए बार बार अखबार उठा रहे थे कि कुछ भी खाना गाड़ी पर ना गिरे। इसकी तस्वीरें वायरल हुई, इसे लोग काफी प्रेरित हुए। लोग इस बात से प्रभावित थे कि आर्यन जैसा अभिनेता सड़क किनारे एक स्टॉल पर खड़ा होकर खाना खा रहा है। यहां तक कि कार्तिक ने वायरल हो रही तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कहा कि चाइनीज खाना बहुत स्वादिष्ट था। एक फैन ने अपने फास्ट फूड स्टॉल का नाम अभिनेता सोनू सूद के नाम पर रखा। और इसे सोनू सूद फास्ट फूड स्टॉल कहा। जब सूद ने इस बारे में सुना तो वह बहुत प्रभावित हुए और उस जगह का दौरा किया। क्या आप सूद के बारे में और जानना चाहते हैं? इस बारे में ISH न्यूज ने पहले एक वीडियो जारी किया था, आप इसे इस लिंक पर देख सकते हैं।